स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल को आपकी कढ़ाई में। आज हम बनाएंगे आलू और बैंगन की चटपटी सब्जी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने छोटे छोटे बैंगन लिए, इसे हम काट लेंगे और डंठल नहीं निकालेंगे, डंठल के साथ ही काटेंगे। तो इस तरह से इनके हम दो भाग कर लेंगे। बैंगन को हमने अच्छे तरह से काट लिया है, इन्हें पानी में डाल देंगे नहीं तो ये काले पड़ जाएंगे। आलू को भी हम छील कर काट लेंगे, अच्छे से पतले पतले काटेंगे, ज़्यादा मोटे नहीं काटेंगे। तो इस तरह से काट लेंगे छील कर। सब्जियों को हमने अच्छे से धुलकर साफ कर ली है। एक हमें टमाटर काट कर रख लिया है। लहसुन और मिर्च को हम कूट लेंगे। गैस को हम जला लेंगे। गैस जलाने के बाद कढ़ाई को रख देंगे। कढ़ाई में हमने तेल पहले से डाल दिया है। तेल गर्म हो गया है, आलू को हम फ्राई कर लेंगे और आलू फ्राई हो जाएगा, बाद में हम इसी में बैंगन को भी फ्राई करेंगे। आलू का कलर चेंज हो गया है थोड़ा, हम इसे और फ्राई करेंगे, फिर हम निकाल कर अलग रख लेंगे। अच्छे से फ्राई हो गए हैं आलू को हम निकाल कर अलग रख लेंगे। बैंगन को भी हम फ्राई करेंगे। अगर आप लोगों ने डंठल वाले बैंगन नहीं खाए हैं तो एक बार जरूर ट्राई करें। आज हम आपको बिल्कुल यूपी स्टाइल बैंगन आलू बैंगन की सब्जी बनाकर दिखाएंगे, तो हमारे वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। बैंगन जो अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इन्हें निकाल कर हम अलग रख लेंगे। इसी कढ़ाई में हमने सरसों का तेल डाल दिया है, इसे हम गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो इसमें हम डाल देते हैं मेथी। मेथी दाना को हम चटक जाने देंगे। मेथी दाना अच्छे से पक चुके हैं तो इसमें हम डाल देंगे जीरा। जीरा चटक गया, इसमें हम कटा हुआ एक प्याज डाल देंगे। इसे हम गोल्डन होने तक अच्छे से चलाते हुए पका लेंगे।
कुटा हुआ जो लहसुन दिखे उसे हम डाल देंगे। एक टमाटर जो हमने काट कर रखा था उसे डाल देंगे। सूखे मसाले का हम घोल तैयार कर लेंगे। इसके लिए हम एक चम्मच लेंगे घर पीसा धनिया, गरम मसाला ले लेंगे, लाल मिर्च पाउडर ले लेंगे और हल्दी पाउडर। पानी डालकर अच्छा सा एक घोल बना लेंगे। इससे मसाले जलेंगे नहीं और फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। घुले हुए मसाले हम डाल देंगे इसी में, थोड़ा सा पानी डालेंगे। सारे मसालों को अच्छे से हम भून लेंगे। मसाला अच्छे से भून चुका है, इसमें हम सब्जियां डाल देंगे। स्वाद अनुसार हम नमक डाल देंगे। और आधा चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालकर इसे ढक देंगे थोड़े 2-3 मिनट के लिए, जिससे सारे मसाले जो है सब्जी में मिल जाए। 2 मिनट हो गए हैं, इसे हम चेक कर लेंगे। बिल्कुल यूपी स्टाइल हमारा सब्जी आलू बैंगन की बनकर तैयार है। थोड़ा सा कटा हुआ धनिया डाल देंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ढेर सारा कमेंट करें।